गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी व्याकरण और इसमें कंटिन्यू है आपका चैप्टर नंबर 2 वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। और आज हम इसका अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कल आपको पढ़ने के लिए दिया था और लिखने के लिए भी इसको दिया था, आओ दोहराएं। तो जितना हमने पाठ में पढ़ा उसी से संबंधित यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इनको आपने पढ़ा और अपनी कॉपी पे लिखा होगा। तो आज अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। तो पेज नंबर आपका 9 है। इसमें सबसे पहले तो मौखिक प्रश्न, 2 मौखिक प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो मौखिक प्रश्नों को भी आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्वर कितने होते हैं? तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कितने आप देख रहे हैं यहाँ पे? 11 स्वर होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा भी था, ठीक है ना। अ आ इ ई उ री ए आई ओ आओ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो 11 स्वर ये हमारी वर्णमाला में होते हैं। ख, अतिरिक्त व्यंजन कौन से हैं? तो अतिरिक्त व्यंजन कौन से होते बच्चों? ड और ड, ड और ड, ये दोनों क्या होते हैं? वर्णमाला से अतिरिक्त और इसमें व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण की परिभाषा, सबसे पहले हमको क्या करनी है? वर्ण की परिभाषा लिखनी है, आपकी बुक में ही है। तो वर्ण की परिभाषा सुन लीजिए। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। और देखिए यहाँ पे वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए वर्णमाला निश्चित क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कौन सा संयुक्त अक्षर नहीं है? तो अक्ष भी संयुक्त है, श्र भी, त्र भी, तो छ नहीं है। अनुनासिक का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? चांद, बंदर, 5 हंस, ठीक है ना। तो बंदर, बंदर में अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए बच्चों। उचित वर्ण पर अनुसार या अनुनासिक लगाकर दोबारा लिखिए। अब यहाँ पे जंगल लिखा है तो जंगल अनुस्वार आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा? जंगल। फिर यहाँ पे है, यहाँ पे अनुनासिक आएगा, हंसना, आँख, दांत। फिर आया अनुसार, रंग, मंदिर, बंदर। फिर यहाँ पे क्या आ गया? अनुनासिक आ गया, माँ, पंख, 5, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरीके से अपने बुक्स पे इनको लिखना है। जो मैंने क्वेश्चन आपको बताएं इनको अपनी कॉपी पे आपको सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है इसको बुक में ही आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों आपको बुक पे करने हैं और जो ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न हैं इनको अपनी कॉपी पे लिखिएगा।